हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आईपीएल 2020 अब खत्म होने को है। 10 नवंबर को आईपीएल का फाइनल दुबई में होगा। देखना होगा कि आईपीएल के सीजन की चैंपियन आखिर कौन सी टीम बनती है। क्या मुंबई एक बार फिर चैंपियन बनेगी या फिर दूसरी टीम इस बार बाजी मार ले जाएगी। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुई है। जी हाँ, पहली बार। तो बात करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी के अभी एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिए। इस बार के आईपीएल में कई रंग और कई आंकड़े हमें देखने को मिले, लेकिन एक ऐसा काम भी हुआ जो इससे पहले 12वें सीजन में कभी नहीं हुआ। आईपीएल का पहला सीजन साल 2008 में खेला गया था। इस बार आईपीएल की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सबसे नीचे राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जिसके पास 12 अंक हैं, यानी कि इस टीम ने 14 में से 6 मैच जीते हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहने वाली टीम भी 6 मैच जीती हो। तो अब हम आपको 2008 से लेकर साल 2020 तक के सभी टीम्स की पॉइंट टेबल के बारे में बात बताने वाले हैं, और हर साल सबसे नीचे रहने वाली टीम और उनके पॉइंट्स के बारे में आज आपको हम पूरी जानकारी देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत खास आंकड़े आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बात सबसे पहले साल 2008 यानी पहले आईपीएल की। उस साल की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे डेक्कन चार्जर्स की टीम थी। उस साल डेक्कन चार्जर्स ने 14 में से सिर्फ 2 ही मैच जीते थे और उनके अंक महज 4 ही थे। इसके बाद साल 2009 में सबसे नीचे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम थी, जिसने 14 में से 3 मैच जीते थे और उनके अंक 7 ही थे। साल 2010 में किंग्स इलेवन पंजाब ने खराब प्रदर्शन किया और 14 में से सिर्फ 4 मैच ही जीते थे। इस तरह से उनके अंक 8 ही थे। तो पहले साल सबसे नीचे रहने वाली टीम डेक्कन चार्जर्स तो अब आईपीएल में नहीं खेलती है, लेकिन उसी शहर यानी कि हैदराबाद की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जरूर आईपीएल लगातार खेल रही है। चलिए अब बाकी सालों की बात भी कर लेते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं साल 2011 की। उस साल दिल्ली कैपिटल्स ने 14 में से 4 ही मैच जीते थे, इसलिए उनके अंक 9 पर ही हो पाए थे। साल 2012 में पुणे वॉरियर्स ने अपने 16 में से 4 मैच नाम किए थे और उनके अंक 8 ही रह गए थे। साल 2013 की बात करें तो उस साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम सबसे फिसड्डी साबित हुई थी। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 16 में से सिर्फ 3 ही मैच जीते थे और 6 अंकों से ही उन्हें संतोष करना पड़ा था। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी टीम के पास 12 अंक अभी तक नहीं हुए हैं। अब बात आईपीएल में कुछ अंक की करेंगे, कुछ अंक आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले 12 तक अभी तक कोई भी टीम नहीं पहुंच पाई है, ये साफ हो चुका है। चलिए आगे की बात आपको बताते हैं। साल 2014 में तो दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन और भी खराब रहा था। उस साल टीम ने 14 मैच खेले और उसमें से 2 ही मैच जीते। इस तरह उनके पास सिर्फ 4 पॉइंट्स ही रह गए थे। साल 2015 में किंग्स इलेवन पंजाब का प्रदर्शन खराब रहा और टीम सबसे आखिरी यानी 8वीं पायदान पर रही। टीम ने 14 में से 3 मैच जीते थे और टीम के 6 अंक ही रह गए थे। किंग्स इलेवन पंजाब साल 2016 में भी कुछ खास नहीं कर पाई और टीम 14 में से 4 ही मैच जीत सकी। टीम के अंक 8 रह गए थे। इस तरह टीम ने नीचे से टॉप करने के मामले में हैट्रिक तक मार दी। इसके बाद साल 2017 का जिक्र करें तो विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 14 में से 3 मैच जीत सकी थी और टीम के अंक 7 ही थे। साल 2018 में एक बार फिर दिल्ली की टीम फिसड्डी रही और इस साल टीम ने 14 में से 5 मैच जीते और 10 अंक लेकर सबसे नीचे पायदान पर रही। पिछले साल यानी साल 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 14 में से 5 मैच जीते थे और इस तरह से टीम के अंक 11 ही रह गए थे। इसके बाद भी टीम सबसे नीचे की पायदान पर थी। इस साल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 14 में से 6 मैच जीते और टीम के अंक 12 रह गए। तो इस बार सबसे नीचे राजस्थान रॉयल्स की टीम है, लेकिन इसके बाद भी उसके 12 अंक हैं जो इससे पहले कभी भी नहीं हुए। और कौन सी टीम के 12 अंक रह गए हैं, चलिए अब ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि 12 अंकों पर सिर्फ राजस्थान रॉयल्स की टीम ही नहीं है। आईपीएल के इतिहास में पहली बार राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रह गई है। हालांकि अंकों की बात करें तो एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के भी अंक 12-12 ही हैं। लेकिन इन दोनों टीमों का नेट रन रेट राजस्थान से बेहतर है, इसलिए ये टीमें छठे और सातवें नंबर पर हैं और राजस्थान की टीम आखिरी नंबर पर। यानी इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि जो टीम सबसे नीचे है वो भी 12 अंक लेकर अपने आखिरी मैच तक लड़ती रही, लेकिन आखिर में उसे प्लेऑफ से बाहर होना ही पड़ा। तो आईपीएल भले ही खत्म हो जाए, लेकिन आईपीएल इतिहास के कई आंकड़े और दिलचस्प फैक्ट्स हम आपके लिए यूं ही लेकर आते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि एनएन स्पोर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपके सामने आ जाए, और साथ ही इस वीडियो को और ऐसे तमाम वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के अभी कर लीजिए एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब। लेकिन जल्द नया वीडियो लेकर हम दोबारा से आपके सामने जरूर हाजिर होंगे।